अब नए कानून की तैयारी पूरी हो चुकी है, आपको भी न्याय मिलने वाला है, आपको भी वो सारे अधिकार मिलने वाले हैं जो यहाँ पे अब से पहले पत्नियों को मिल रहे थे। आपके लिए भी स्पेशल धाराएं हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। 7 ऐसी स्पेशल धाराएं हैं जिनके माध्यम से आपको भी अब पूरी तरह से न्याय मिलेगा। पुरुष आयोग की जो आपकी डिमांड है वो यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है, तो बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, पुरुष आयोग की मांग पति लोग क्यों कर रहे हैं? वो इस वजह से कर रहे हैं कि उनकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती है, उनको कोई भी अधिकार नहीं मिले हुए हैं। पत्नियों के लिए ऐसे कई सारे कानून हैं, कई सारी धाराएं हैं जिनके माध्यम से वो पति लोगों के ऊपर केस कर सकती है, पर पति लोगों के पास में ऐसी कोई भी धाराएं वगैरह नहीं है, ऐसे कोई भी कानून वगैरह नहीं है जिससे पति पत्नी गलत है तो उनके ऊपर भी वो केस कर सके, पत्नी के घर वाले गलत है तो उनके ऊपर भी वो केस कर सके। तो बिल्कुल अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर नया कानून लागू होने वाला है। नए कानून की पूरी तैयारी हो चुकी है और आप चाह रहे हैं कि आपके लिए पुरुष आयोग होना चाहिए, आपको भी न्याय मिलना चाहिए। तो बिल्कुल अब आपको न्याय मिलेगा। अब नए कानून में आपको न्याय मिलेगा 7 स्पेशल धाराओं के माध्यम से, यानी कि आपकी भी सुनवाई होगी, आप भी पत्नी के ऊपर केस कर सकेंगे, पत्नी के घर वालों के ऊपर केस कर सकेंगे। ये धाराएं ऐसी है जिनका केस अगर आप एक बार डाल देंगे तो बिल्कुल आपका 100% रिजल्ट आपके पक्ष के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप पीड़ित हैं, आप दुखी हैं, इस वजह से आप उनके ऊपर केस कर रहे हैं और आपको बिल्कुल यहाँ पे न्याय मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो अभी नया कानून है वो है भारतीय न्याय संहिता, यानी कि BNS। तो इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इसके अंदर केवल न्याय मिलने वाला है, यानी कि जो भी डिसीजन होगा वो न्याय के आधार पे ही होगा, किसी के साथ में भी कोई भी अन्याय नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एक करके मैं 7 धाराएं आपको समझाने वाला हूँ। इनके माध्यम से आप केस पत्नी के ऊपर डाल सकते हैं, पत्नी के घर वालों के ऊपर डाल सकते हैं। बहुत ही पावरफुल धाराएं हैं, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। तो इनमें पहली धारा आती है BNS, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 107, यानी कि 107। इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है, ये बात इसके अंदर आती है कि अगर पति की हत्या करने का प्रयत्न पत्नी की तरफ से, पत्नी की साइड के जो भी लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे पति के द्वारा उन लोगों के ऊपर 107 BNS की धारा दर्ज करवाई जा सकती है। तो यहाँ पे बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि जब पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है, पत्नी अलग रहती है, तो यहाँ पे पत्नी की तरफ से कई सारे लोग होते हैं और वो बहुत ज्यादा उग्र होते हैं, वो पति के ऊपर ऐसा हमला कर देते हैं जिससे यहाँ पे पति की जान भी जा सकती है, यानी कि जान लेने की वो कोशिश करते हैं। तो ऐसा अगर वो करते हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल ये धारा दर्ज करवाई जाएगी। इसके तहत बहुत बड़ी पनिशमेंट यहाँ पे उन लोगों को मिलेगी, तत्काल कार्रवाई होगी, पूरा न्याय यहाँ पे पति को मिलेगा। तो अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इनमें दूसरी धारा आती है 128 BNS की भारतीय न्याय संहिता की धारा। इसके अंदर हमले का प्रावधान किया गया है, यानी कि पति के ऊपर अगर पत्नी की साइड के जिन लोगों के द्वारा हमला किया जाता है तो उन लोगों के ऊपर ये धारा दर्ज करवाई जा सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको अच्छे से पता है, अगर पति के ऊपर ऐसा कोई भी हादसा होता है या फिर पति को मारपीट वगैरह की जाती है तो कई लोग होते हैं, तो यहाँ पे अगर कई लोग मिलकर ऐसा कोई हादसा करते हैं तो उसे हमले का रूप दिया जाएगा और उन सारे लोगों के ऊपर BNS की धारा 128 दर्ज हो जाएगी। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अभी इनमें अगली धारा आती है BNS की धारा 225, यानी कि 225 भारतीय न्याय संहिता की धारा। इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मुकदमा चलता है तो उसमें पत्नी साइड से अपना बचाव करने के लिए कई सारे ऐसे एविडेंस दिए जाते हैं जो मिथ्या होते हैं, झूठे होते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे एविडेंस उनके द्वारा दिए जा रहे हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल ये BNS की धारा 225 दर्ज करवाई जाएगी। अभी इनमें अगली धारा आती है 226 BNS की धारा, यानी कि ये भी भारतीय न्याय संहिता की धारा है। अगर यहाँ पे पत्नी साइड से मनगढ़ंत कोई एविडेंस रचे जाते हैं, घड़े जाते हैं, जो झूठे हैं, वो अगर मुकदमे के अंदर, कोर्ट के अंदर लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे जिनके द्वारा ये एविडेंस झूठे लगाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, तो उनके ऊपर ये 226 की धारा है जो दर्ज हो जाएगी। अब इसमें अगली धारा आती है BNS की धारा 227। इस धारा में मिथ्या साक्ष्य देने पर दंड का प्रावधान किया गया है। अब अगली धारा आती है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 238, यानी कि 238। इसका मतलब है किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इतला देना, यानी कि गलत सूचना देना, मनगढ़ंत बातें बताना कि इस तरीके से इस मामले में ये हुआ है, जबकि मामला और कुछ है, उसकी हकीकत और कुछ है, और उसके बारे में गलत जानकारी देना कि इस मामले के अंदर ये हुआ है। तो इस तरीके की अगर गलत जानकारी दी जाती है, पता चलता है कि ये गलत जानकारी है,
तो यहाँ पे जो गलत जानकारी दे रहे हैं पत्नी साइड के जो भी लोग अपने बचाव के अंदर झूठी बातें बता रहे हैं, तो उनके ऊपर बीएनएस की धारा 238 दर्ज करवाई जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे पति को इस धारा के तहत भी बहुत बड़ा न्याय मिलेगा। अब अगली और सातवीं लास्ट धारा आती है बीएनएस यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 244 यानी कि 244 धारा। इसका मतलब है न्यायालय के अंदर मिथ्या दावा करना यानी कि झूठा केस दर्ज करवाना कोर्ट के अंदर। तो इसका ये अर्थ होता है अगर पत्नी की साइड से अगर ये झूठा केस दर्ज करवाया जाता है कोर्ट के अंदर और इस बात को अगर पति के द्वारा कोर्ट के अंदर साबित कर दिया जाता है तो बिल्कुल पत्नी के ऊपर ये धारा भी दर्ज हो जाएगी। तो ये जानकारी हमें समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है भारतीय न्यायिक संहिता और जो गलत नहीं करेगा उसको न्याय मिलेगी। तो इस तरीके से अब पति को न्याय मिलेगी। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। जो आप चाह रहे हैं कि पुरुष आयोग आपके लिए बनना चाहिए तो पुरुष आयोग तो बन जाएगा, पर यहाँ पे पुरुष आयोग से संबंधित ये सारी धाराएं हैं जो पति चाह रहे हैं कि उनकी भी अब सुनवाई होनी चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो ये सारा प्रावधान भारतीय न्यायिक संहिता के अंदर ही कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इस तरीके से अब पति फायदा ले सकेंगे। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।